दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज का विषय है साइंस और टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, जंतुओं में प्रजनन। दोस्तों इस दुनिया के जो भी जीवधारी हैं, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो अपने जैसे संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं। ये सजीवों की बहुत बड़ी विशेषता है, क्योंकि सजीवों को छोड़कर के जो भी निर्जीव है उनमें ये प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती। ये विशेषता केवल सजीवों की होती है जो अपने जैसा संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं। दोस्तों The process of producing young ones like same is called reproduction। मतलब अपने जैसा संतान उत्पन्न करने के प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं, और ये केवल सजीवों की विशेषता होती है जो अपने जैसा संतान उत्पन्न कर सकते हैं। निर्जीवों में जो भी हैं उनमें इस तरह की क्षमता नहीं पाई जाती है। दोस्तों देयर आर टू मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। दोस्तों रिप्रोडक्शन के दो मेथड है। पहला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये जो सजीव है दो तरह से रिप्रोडक्शन करते हैं, एक तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आइए दोस्तों एक एक करके हम समझते हैं कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है। आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच टू पेरेंट्स ए मेल एंड ए फीमेल both are required is called sexual reproduction। In this method the male parent produce male gametes and female parent produce female gametes। मतलब कि दोस्तों sexual reproduction में दो पेरेंट्स की जरूरत होती है, एक मेल पेरेंट और दूसरा फीमेल पेरेंट की। जो मेल पेरेंट होते हैं वो मेल गैमेट्स बनाते हैं, मेल सेक्स गैमेट्स बनाते हैं, और दूसरा जो फीमेल होती है वो फीमेल गैमेट बनाती हैं। फिर दोनों का फ्यूजन होता है और उसके बाद नए जीव का स्ट्रक्चर शुरू हो जाता है। दोस्तों दोनों मेल और फीमेल कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग होते हैं और फीमेल्स के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अलग होते हैं। दोस्तों हम आपको एक एक करके बताएंगे, आइए हम आगे देखते हैं। दोस्तों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तीन स्टेप इन्वॉल्व होता है। पहला गैमिटोजेनेसिस, दूसरा ओवुलेशन। गैमिटोजेनेसिस और दूसरा फर्टिलाइजेशन और तीसरा डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दोस्तों तीन स्टेप इन्वॉल्व होता है। पहला गैमिटोजेनेसिस, दूसरा फर्टिलाइजेशन और तीसरा डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। दोस्तों गैमिटोजेनेसिस द फॉर्मेशन ऑफ
गैमेट्स इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस. दूसरा फर्टिलाइजेशन, द यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन और फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. और फर्टिलाइजेशन के बाद ये एम्ब्रियो का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है. दोस्तों आइए देखते हैं गैमेटोजेनेसिस. एक जो मेल होता है वह मेल गैमेट्स को फॉर्मेशन करता है और जो फीमेल होती है वह फीमेल गैमेट्स का निर्माण करती है. दोस्तों मेल जो होते हैं वह मेल सेक्स गैमेट्स का फॉर्मेशन करते हैं जिसे हम स्पर्म कहते हैं और फीमेल जो होती है वो फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन करती है जिसको हम ओवा अथवा ओवम कहते हैं. दूसरा जो प्रोसेस आता है वो होता है फर्टिलाइजेशन. अभी हमने आपको बताया फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. दोस्तों देयर आर टू टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन दो तरह का होता है, पहला इंटरनल फर्टिलाइजेशन और दूसरा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. दोस्तों आइए देखते हैं ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या है. इंटरनल फर्टिलाइजेशन आंतरिक निषेचन, द फर्टिलाइजेशन विच टेक्स प्लेस इन साइड द फीमेल बॉडी इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन. अर्थात वह फर्टिलाइजेशन जो फीमेल के शरीर के अंदर होता है ऐसे फर्टिलाइजेशन को हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं. जैसे गाय भैंस भेड़ बकरी मानव, इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है. दूसरा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, द फर्टिलाइजेशन विच टेक्स प्लेस आउटसाइड ऑफ द फीमेल बॉडी इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. मतलब ऐसा फर्टिलाइजेशन जो फीमेल के बॉडी के बाहर होता है ऐसे फर्टिलाइजेशन को हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं. जैसे मेंढक में मछली में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है. दोस्तों मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग होता है और फीमेल की रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग होते हैं. दोस्तों फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दोस्तों एक फीमेल में निम्न रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है पाए जाते हैं. एक फीमेल में एक पेयर ओवरी पाए जाते हैं, दो ओवरी पाए जाते हैं. दोस्तों फीमेल को ओवरी का काम है ओवम का फॉर्मेशन करना. फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन करना यह जो ओवरी होता है यह फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन करता है. ये देखिए ये फिम्ब्री है. दोस्तों जैसे ही इस ओवरी से अंडे का ओवम का निर्माण होता है यह जो फिम्ब्री होता है इसको कैच कर लेता है, इसको पकड़ करके और फैलोपियन ट्यूब के अंदर जो है धकेल देता है. तो इस फिम्ब्री का काम है ओवम को पकड़ना. दूसरा है फैलोपियन ट्यूब अथवा ओविडक्ट. दोस्तों ये ओविडक्ट, ओविडक्ट अथवा फैलोपियन ट्यूब. दोस्तों इस ओविडक्ट अथवा फैलोपियन ट्यूब में ही मेल और फीमेल गैमेट्स का फर्टिलाइजेशन होता है. और ये ओविडक्ट इस ओवरी को और
इस यूट्रस को जोड़ने का काम करता है। ये एक फीमेल में एक जोड़ी ओवरी और एक जोड़ी ओवी डक्ट अथवा फैलोपियन ट्यूब पाए जाते हैं। दूसरा होता है यूट्रस, ये फीमेल का वह पार्ट होता है जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होने के बाद से यहाँ एम्ब्रियो का जहाँ डेवलपमेंट होता है। तो दोस्तों ये यूट्रस वह भाग होता है जहाँ पर फर्टिलाइज्ड एग का डेवलपमेंट होता है। उसके बाद ये वेजाइना है जो जहाँ पे यूट्रस जो है इस वेजाइना में ही खुलता है, और ये वेजाइना ही वह पार्ट होता है, ये वेजाइना मेल के स्पर्म को रिसीव करता है फर्टिलाइजेशन के लिए। तो यह वेजाइना स्पर्म को रिसीव करके और सीधे इस फैलोपियन ट्यूब में पहुंचाता है जहां पे अंडे का फर्टिलाइजेशन होता है। दोस्तों अगले वीडियो में हम फर्टिलाइजेशन के पढ़ेंगे, फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।